हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टी वाई बैफ क्लास 75 कैपिटल बस्टिंग एन एस वाई बी कॉम वाले बच्चों को भी ये टॉपिक है। मैंने 3 क्लास स्टार्टिंग हर एक मेथड के कराए, उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि टाइम हर एक बच्चे की मैं बात करूँ चाहे बी कॉम क्लास या फिर टी वाई बैफ, लिमिटेड टाइम आपके पास है, तो इससे बेस्ट है भाई मेथड का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो। दो चीज़ें इससे क्लियर होंगी भाई, किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, प्लस कितने मार्क्स का पेपर होगा, मतलब ये टॉपिक कितने मार्क्स का बन रहा है। अगर मैं 18 के पेपर की बात करूँ, 21 मार्क्स का बना था, विथ ऑप्शन आप काउंट कर लो या विदाउट ऑप्शन, जैसा भी काउंटिंग करना है। क्वेश्चन नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे बना था। 19 के अगर मैं पेपर की बात करूँ, 19 में 2A कहाँ पे बना भाई, 2A कितने मार्क्स का बना है, 15 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, एडवांटेज मिल गया 15 मार्क का। प्लस 2C में कहाँ पर, 2C मीन्स ऑप्शन में ही रख रहा है इसका, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी अगर मैं काउंटिंग करूँ, 21 मार्क्स का टॉपिक अपना हो रहा है, कितना 21 मार्क्स का टॉपिक अपना हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 19 के पेपर को सॉल्व करना। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है भाई, क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी टॉपिक आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये टाइप आया तो हर एक बच्चे को 15 मार्क्स कंपलसरी मींस फिक्स हो गया, मिल गया। क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई, कंपनी को रिक्वायरमेंट है एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,40,000, एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो दे के रखा है, ईयर है, नेट कैश फ्लो दिया है, यूजिंग 10% एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर रेट ऑफ डिस्काउंट आप बोल सकते हो, डिटरमाइन द फॉलोइंग पे बैक पीरियड NPB एंड PI मेथड। NPB आया तो PI निकल गया, पे बैक तो कॉन्सेप्ट आपका इजी, पहले ही सब में पहले ही क्लास में आपने क्लियर किया है। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं जरा सा, पहला मेथड पे बैक, सबसे इजी मेथड अगर बोलो पे बैक पीरियड, कॉन्सेप्ट क्या है इसका भाई, ईयर है, कैश फ्लो है और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है। टेबल तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को अब याद कराना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि भाई ये टेबल क्यों आ रहा है। पहली क्लास बहुत डिटेल में पे बैक पीरियड की बात किया था, ध्यान रखना पे बैक है, डिस्काउंटेड पे बैक नहीं है। ईयर की बात करेंगे, 1 से लेके कहाँ तक है, 10 तक है, इसीलिए तो प्रॉब्लम ही है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैश फ्लो बता दो जरा, 42 कहाँ तक जाना है, 5 ईयर तक। नेक्स्ट बता दो जरा, 48, 60, 90, 60, 24 क्यूमुलेट करना हर एक बच्चे को पता भाई, क्यूमुलेट कैसे होता, पहला नंबर सेम जरा लिख दो, 42 में 42 ऐड कर दो, 84 में 42 ऐड करो, 1,26,000 प्लस 42, 1,68,000 प्लस 42, 2,10,000 प्लस 48, 2,58,000 प्लस 60, 3,80,000 प्लस 90, 4,08,000 प्लस 60, 4,92,000 क्यूमुलेटिव में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। देखो ना, एक 5 नंबर पे बैक का कैसा मिल रहा है, देखो ना पे बैक पीरियड क्या फाइंड आउट करने जा रहे हो भाई, पे बैक पीरियड। इन्वेस्टमेंट कितने का था क्वेश्चन में देख लो जरा, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 240 का है इन्वेस्टमेंट, मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, 240 क्यूमुलेटिव में देखो भाई, 240 कहाँ पे दिख रहा है, 240 नहीं दिख रहा सर, नहीं दिखेगा तो उससे छोटा नंबर देख लो जरा, तो भाई 1, 2, 3, 4, 5 उससे छोटा नंबर 210 यहाँ पे दिख रहा है, कौन से ईयर में, फिफ्थ ईयर, कौन सा ईयर दिख रहा है सर हर एक बच्चे को भाई, फिफ्थ ईयर, तो यहाँ पे लिख दिया
फिफ्थ ईयर पे कितना आ गया भाई 210, सही है, कितना था, कितना चाहिए 240, कितने का डिफरेंस आ रहा है 30, यहाँ पे लिखो जरा, डिवाइड बाय डिफरेंस, डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना 48,000, तो 5 ईयर प्लस 0.625 ऐड कर दो, तो 5.62 पेबैक का कॉन्सेप्ट क्लियर, 5 मार्क्स आपका इजीली इस टॉपिक पे मिल गया। आगे मेंशन है भाई एनपीवी बता दो, पीआई बता दो, तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात करते हैं, क्लियर है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, पहला टेबल आपका ईयर हमेशा होगा, सेकंड कैश फ्लो होगा, थर्ड हमारा पीबी फैक्टर होगा, एंड लास्ट हमारा पीबी होगा, प्रेजेंट वैल्यू, क्लियर है। ईयर कैश फ्लो यहाँ पे दिया है, सेम कॉपी कर लेते हैं, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कैश फ्लो की जब बात करेंगे, 42 फर्स्ट ईयर का है, 42 सेकंड ईयर का है, 42 थर्ड ईयर का है, 42 फोर्थ ईयर, 42 फिफ्थ ईयर, उसके बाद कितना है 48, 60, 90, 48, 60, 90, 60, 60, 24। पीपी फैक्टर ध्यान रखना, बैफ क्लास आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट दिया था पीपी फैक्टर एग्जाम की बात, क्वेश्चन की बात करूं 10%, कैसे निकालना आपको सिखाया, देखो ना इधर पे लिख लो जरा, 1 + 10% कैलसी पे ले लो, कितना आ रहा है 1.1, कैंसिल कर दो, अब आगे का स्टेप 1 / 1.1 कर दो, इक्वल टू कितना आ रहा है 0.901 सेकंड, फिर से इक्वल टू 0.8264 नेक्स्ट फिर से इक्वल टू 0.751 कैलसी पे ऐसे करते चलना, नेक्स्ट 0.683 नेक्स्ट 0.620 चलो नेक्स्ट 0.564 नेक्स्ट 0.513 नेक्स्ट 0.466 नेक्स्ट 0.424 लास्ट 0.385 पीबी फैक्टर। आई होप हर एक बच्चे ने स्टार्टिंग से क्लास देखी है तो इजीली निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके पीबी निकालना है भाई, कैश कैश फ्लो इनटू पीबी फैक्टर करके पीबी निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो 38182 सेकंड मल्टीप्लाई 34709 नेक्स्ट मल्टीप्लाई 31555 नेक्स्ट 28,686 चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई 41985 नेक्स्ट 25446 लास्ट मल्टीप्लाई 9252 पीबी निकालना मुझे लगता है हर एक बच्चे को इजी समझ में आएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लिया भाई, क्लियर है। सबका टोटल सबमिशन ले लो, जीटी ग्रैंड टोटल ले लो 2,93,781 क्लियर है। एनपीबी में क्या करते हैं, माइनस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने का था, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा मैंने 240 का था, माइनस कर दो 53,781 ये क्या मिला एनपीबी
एनपीवी निकल गया तो पीआई मेथड निकालना बहुत इजी होता है। पीआई मेथड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पीआई मेथड फॉर्मूला क्या भाई, पीबीसीआई अपॉन में पीबीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों आपको यहीं से मिल जाएगा एनपीबी से। इनफ्लो कितना 293781 डिवाइड कर दो, आउटफ्लो बोलो तो इन्वेस्टमेंट कितने का था, पैसा आया कितना डिवाइड बाय पैसा गया कितना, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए लेकिन तो निकाल लो डिवाइड कर दो। क्लियर है, ये आपका पीआई मेथड है। 1224 क्लियर है, ये आपका क्या आ गया पीआई मेथड। क्लियर समझ में आया, देखो ना 15 मार्क्स का टॉपिक है भाई, 5 पेबैक पे, 5 एनपीबी, 5 पीआई। अब आपको दिख रहा होगा सर दो लाइन पे भी मिलेगा, नहीं दो लाइन के लिए स्टेप तो आपने किया है ना भाई, तो स्टेप का कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि जो बच्चा अगर ये टेबल प्रिपेयर कर लेगा भाई एनपीबी एनपीआई का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसी टेबल से तो याद निकल के आ रहा है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, नोट कर लो पहले आप इसको, देन बात करेंगे कितना कौन सा क्वेश्चन हमने किया भाई, 2A किया, 2C की भी बात करेंगे, नोट कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2C, 2A कंप्लीट किया, 2C की बात करेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिले हैं, 2018 में भी इस टाइप का क्वेश्चन बना था, 2019 में भी बना था। 18 में ध्यान रखना, इधर पे क्वेश्चन अगर मैं रीड करूं, एक्स लिमिटेड हैज ए कैपिटल बजट ऑफ ₹40 लाख फॉर द ईयर, इट हैज बिफोर इट द फॉलोइंग 6 प्रपोजल, कितने प्रपोजल है भाई, 6 प्रपोजल है, ABCDEF, आउटले दिया है, एनपीबी दिया है, NIRR का कॉन्सेप्ट दिया है, फाइंड आउट द रैंकिंग ऑफ द प्रपोजल्स बेस्ड ऑन एनपीबी एंड पीआई मेथड। 18 वाले पेपर में कल की जो आई है क्लास उसमें ऑलरेडी बता दिया था भाई, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है रैंक देना है, एनपीबी मेथड से भी सिखा चुका हूँ, पीआई मेथड से भी सिखा चुका हूँ, जिसमें से अगर मुझसे पूछोगे कि अगर मेथड नहीं मेंशन है तो पीआई मेथड से जाओ, सॉरी एनपीबी मेथड से आप जाओ, क्योंकि ये इजी होता है, और अगर पीआई मेथड है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे के रखा है, पहले प्रपोजल देखो कितने हैं, प्रपोजल कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ। एनपीबी मेथड में आउटले नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि एनपीबी मेथड में जो रैंक बेसिकली हम देते हैं एनपीबी के बेस पे ही देते हैं, बट क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिख दिया, अगर नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, इसी ध्यान रखना, क्लियर बता दूं। मैं बात करता हूँ कि एन आउटले चलो लिख देता हूँ, कितना कितना दिया बता दूं, 28 लाख, चलो नेक्स्ट 10 लाख, नेक्स्ट 20 लाख, नेक्स्ट 8 लाख, नेक्स्ट 22 लाख, कितना 22 22, 30 30, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को, आउटले देख के कॉपी हुआ है, एनपीबी बता दो 12 लाख, नेक्स्ट 640, 8 लाख, 4 लाख, 18 लाख, 18 10 ओके 10 लाख, क्लियर हो गया। अब इसमें रैंक देना बहुत इजी होता है भाई, एनपीबी जिसका मैक्सिमम होगा उसी को रैंक दे देंगे, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनपीबी किसका दिख रहा है, ई का दिख रहा है, तो इसको रैंक मिलेगा 1। क्लियर, एनपीबी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जिसका एनपीबी मैक्सिमम उसको रैंक 1 देना है, उससे छोटा छोटा यहाँ पे आएगा सेकंड ए, कितना है 12, उससे छोटा 10 है रैंक 3, उससे छोटा रैंक 4, उससे छोटा रैंक 5, लास्ट देखो ना एनपीबी में रैंक देना बहुत आसान है, किसके बेस पे दिया, एनपीबी के बेस पे दिया, बट पीआई में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन कॉपी होगा, प्रपोजल कितने हमारे पास, सेम वही कॉपी कर लो, ए बी सी डी ई एन एफ, क्लियर है, आउटले कितना है, सेम अमाउंट कॉपी करो 28, नेक्स्ट अगर बात करेंगे 10, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट बात किया 8, 22, 30,
एनपीवी कितना देके रखा है? सेम क्वेश्चन में तो दिया ही, कॉपी कर ले। 640, नेक्स्ट अगर बात किया तो 8 418 4। सर लास्ट में वो 10 नेगेटिव है। 10 नेगेटिव है, नेगेटिव अगर है तो फिर अपोजिट हो जाएगा सब। चलो नेगेटिव आने की वजह से रैंक में चेंज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो ये रैंक ही कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है? या फिर आप लास्ट रैंक उसको बोल सकते हो। तो फर्स्ट तो हमारा 18 ही रहेगा, सेकंड ये भी ठीक है, थर्ड हमारा ये थर्ड हो जाएगा, फोर्थ वाला कौन सा हो जाएगा? थर्ड, क्लियर है? थर्ड के बाद हो जाएगा फोर, फोर के बाद अब ये हो जाएगा फिफ्थ। अगर आपको लिखना है तो ये सिक्स आप लिख सकते हो, क्लियर? क्योंकि नेगेटिव है तो लास्ट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे भी नेगेटिव है तो इसको आप हटा ही दो, या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे ऐड करते हैं सब में। प्रपोजल आउटले एनपीवी क्वेश्चन में दिया था, इसमें पीबीसीआई फाइंड आउट करना होता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आउटले प्लस एनपीवी, तो यहाँ पे चाहिए तो लिख भी सकते हो, पीबीसीआई का मतलब है आउटले प्लस प्लस एनपीवी, क्लियर? ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है? 14 लाख। नेक्स्ट 16 लाख 40,000। नेक्स्ट 28 लाख। नेक्स्ट 40 लाख। लास्ट 20 लाख। निगेटिव है तो ध्यान रखना ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है? नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। पीआई, पीआई का कॉन्सेप्ट क्या है? पीआई का फॉर्मूला बताओ क्या था? पीआई का फॉर्मूला पीबीसीआई डिवाइड बाई पीबीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाई आउटफ्लो। इनफ्लो कितना? अभी तो फाइंड आउट किया इसलिए तो इनफ्लो निकालते हैं, डिवाइड बाई आउटले आउटफ्लो हो गया। तो चलो कैलसी उठा लो, 40 लाख डिवाइड बाई 28 वन पॉइंट, नेक्स्ट 1.64 नेक्स्ट 1.4 नेक्स्ट 1.5 चले नेक्स्ट 1.82 लास्ट 0.67 क्लियर हो गया। अब पीआई का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? जिसका नंबर हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है? हाईएस्ट है ए, तो रैंक कितना मिलेगा? 1, क्लियर है? उससे छोटा कौन सा दिख रहा है? 1.88 से छोटा 64 दिख रहा है, रैंक 2। उससे छोटा कौन सा दिख रहा है? 1.5, रैंक नंबर 3। उससे छोटा 1.43, रैंक नंबर 4। और लास्ट है इसको आप बोल सकते हो 6, क्लियर है? मैच कर लो ज़रा इनको, क्लियर? नोट कर लो पहले आप इसको, नोट कर लो आप इसको, क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ध्यान रखना, हमेशा हर मेथड से इजी मैच नहीं होगा, कि मतलब एनपीवी में रैंक सर जो दिया था वही सेम आएगा क्या, या फिर पीआई में सेम आएगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। एनपीपी में एनपीपी के बेस पे हम लोग रैंक देते हैं, एनपीआई मेथड का हम लोग देखते हैं इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो के कॉन्सेप्ट से, क्लियर? नोट कर लो पहले आप इनको। नोट हो गया, तो 2019 का पेपर हम लोग ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को टीवाई बैफ वाले मीन्स बैफ क्लास को प्लस बीकॉम क्लास के बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।